हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने चैनल में आपको बताने जा रही हूँ आम की चटनी बनाने का तरीका। आमों का सीज़न है और हम सीखेंगे कि उनको कैसे यूटिलाइज़ करके हम आम की चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमें कच्चे आम चाहिए होंगे। मैंने 2 किलो कच्चे आम लिए थे। 1 kg इसके अंदर चीनी यूटिलाइज़ होगी। इसके अलावा हमारे पास लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और इसके अलावा मेवा जात जो होंगे उनको हम छोटे छोटे शेप में काट लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जितने भी हमारे कच्चे आम थे उनको हम अच्छे से छील लेंगे। उनके छिलके उतारने के बाद हम उन सबको अलग करके उन्हें कद्दूकश करेंगे। इनमें से कुछ आमों को हम कद्दूकश करेंगे और कुछ आमों को हम वैसे ही छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आमों को कद्दूकश करने के बाद कुछ इस तरह उनकी शेप आ जाएगी। कुछ आमों को कद्दूकश करेंगे और कुछ के हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उसके बाद हम एक डिश लेंगे, कोई सा भी पैन लेंगे जिसके अंदर आपने आम की चटनी बनानी है। उसके अंदर हम सारे मैंगोज़ को डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमने इसके अंदर तकरीबन 2 ग्लास पानी के डालने हैं। 2 ग्लास पानी के डालने के बाद आप इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद इसको पकने देंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद जो पानी हल्का हल्का बॉयल होने लगेगा तो आहिस्ता आहिस्ता आम भी अपना पानी छोड़ने लगेंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी 1 kg चीनी, जो कि हमने सबसे पहले बताया था कि इसमें 1 kg चीनी यूटिलाइज़ करेंगे। को अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि अब चूँकि चीनी डाली है तो वो नीचे लगना शुरू हो जाएंगे आम। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम पकाएंगे और चीनी आहिस्ता आहिस्ता जैसे हल हो जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर 1 tablespoon जो है वो नमक का ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे। के बाद देखेंगे कि इन्होंने अपना कलर थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 लौंग डालेंगे। लौंग डालने के बाद हम इसके साथ ही इसके अंदर 2 मिनट के बाद इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर आप तकरीबन 2 स्पून ऐड करेंगे। 2 स्पून ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह 2-3 दफ़ा हिलाने के बाद इसमें हम 4 लौंग ऐड करेंगे। 4 लौंग इनफ हैं 2 kg मैंगोज़ के लिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीनी अपनी चाश बनाना शुरू कर देगा और पानी इसमें से एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। इसको अच्छे से पकने देंगे। जब ये पक जाएगा इसके अंदर हम एंड पर गार्निशिंग के लिए जो हमने कोकोनट और जो भी हमारे पास मेवे थे, बादाम, पिस्ता या जो भी आपके पास हो, आप उसको इसके ऊपर अच्छे से गार्निश कर देंगे। गार्निश करने के बाद ये हमारा रेडी है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद इट्सेल्फ गाढ़ा हो जाएगा। ये जी हमारी फाइनल लुक है और आम की चटनी मुरब्बा तैयार है। इसको रोटी के साथ खाएं या ब्रेड के साथ। इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके मज़ीद आने वाली और अपडेट्स के बारे में आगाह रहिएगा। शुक्रिया।